अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं एक रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा, मैं एक रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों, क्योंकि ये हमारे से जीते हैं, हम उनसे नहीं जीते मेरे भाइयों। और जो ये नारे है ना, जो देश में रहकर, जो भारत देश में रहकर जो नारे देते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन हरामियों की अगर गला दबाना है तो इनको हार्दिक स्थिति मारो, इनसे एक रुपए की चीज ना खरीदो मेरे भाइयों। अगर ये यादगिरी से प्रारंभ हो जाए और व्हाट्सएप फेसबुक पे बस एक ही एक मैटर होना चाहिए कि हमें धर्म द्रोहियों से कोई चीज नहीं खरीदना है, हमें देश द्रोहियों से कोई चीज नहीं खरीदना है। अगर आप ये वायरल करेंगे, मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। क्या आप चाहोगे अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो? क्या आपको, आप चाहेंगे कि मेरे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है? चाहोगे? बस चाहोगे तो आज से शुरू कर दो इनका बहिष्कार। जो भी देश के खिलाफ नारे देगा उसका बहिष्कार, जो भी धर्म के खिलाफ नारे देगा उसका बहिष्कार। आने वाले समय में आप खुद रिजल्ट देखेंगे और मुझे फोन करके बता देना। जय श्री राम। हेलो पप्पा सर, सी ये घटके ये तगड़ किसी